नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है हमारे खास शो पांच की आज का। मैं हूं अपर्णा मौजम और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। तो आज सबसे पहले बात होगी रेल हादसे की, जिसके पीछे साजिश वाला एंगल हो सकता है। उधर एक मजार पर विवाद खड़ा हो गया है। विधायक ने प्रशासन से शिकायत कर कब्जा हटाने की मांग की। गरबा को लेकर भी अब पुलिस सख्त हो गई है। मंचलों की अब खैर नहीं होगी, शिकायत आए तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। प्रदेश में खाद की कालाबाजारी का खेल शुरू हो गया है, किसान परेशान होकर हुए हैं और प्रशासन अनजान बना बैठा है। बात होगी नेताजी की भी, जो अपने सीएम से इस कदर नाराज हुए कि मंत्रालय से ही छलांग लगाती। और अब बात रतलाम की, जहां एक बड़ा रेल हादसा सामने आया है। नागदा की तरफ से जा रही एक मालगाड़ी डीरेल हो गई। हादसे में तीन वैगन भी पलट गए, जिसमें डीजल और पेट्रोल भरा हुआ था। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसे के बाद मौके पर प्रशासन और रेलवे के अधिकारी भी पहुंचे। रेल यातायात भी काफी समय तक प्रभावित रहा। हादसे के बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, यह हादसा था या फिर साजिश, क्योंकि जिस तरह से देश में ट्रेन डीरेल होने के चलते जो हादसे हैं बीते कुछ महीनों से सामने आ रहे हैं, उसे लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो ये चार अलग अलग तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, हादसों से जुड़ी हुई। बड़ा रेल हादसा मच गया कोहराम। डीजल से भरी मालगाड़ी हुई डिरेल। दुर्घटना या हादसे के पीछे साजिश। रतलाम में देर रात बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। नागदा जा रही मालगाड़ी रतलाम में हादसे का शिकार हो गई। डीजल से भरी मालगाड़ी डिरेल हो गई, जिससे मालगाड़ी के तीन वैगन पलट गए। अगर कोई यात्री ट्रेन होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हादसा कितना बड़ा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हादसे के चलते रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। हालांकि अब दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को क्लियर कर दिया गया है और रेल यातायात फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गया है। रतलाम का वही दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है जो अब पूरी तरह से क्लियर हुआ है। देर रात जो है तीन वैगन जो है पेट्रोलियम पदार्थ से भरी हुई मालगाड़ी की वो डीरेल हुए थे। ये मैं आपको दिखाता हूँ लाइव तस्वीर है। यहाँ पे अभी जो है ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी है उसका यहाँ पे काम लगातार जारी है। 200 से ज्यादा जो रेलवे कर्मचारी है अधिकारी है वो रात से ही यहाँ पे युद्ध स्तर पर लगे हुए थे, क्योंकि मेन ट्रैक है। डाउन लाइन यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हुई थी, बंद थी, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि अप लाइन से ट्रेनों का परिवहन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। हादसे के बाद लोगों में डीजल लूटने वालों की होड़ मच गई। दरअसल मालगाड़ी के तीन वैगन पलटने से तेल का रिसाव हो रहा था, जिसे लूटने की लोगों में होड़ मच गई। उधर जांच एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। ये महज हादसा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देश में लगातार ट्रेन डीरेल की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। रतलाम से सुधीर जैन, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बुरहानपुर रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर प्लांट करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। तीन दिन की रिमांड के बाद आरोपी साबिर जेल पहुंच गया है। साथी को फंसाने के लिए साबिर ने डेटोनेटर चुराए थे। तीन बार साबिर को रिमांड पर भेजा गया। वहीं आईबी, एनआईए, एटीएस और रेलवे की जांच से यह मामला जुड़ा हुआ है। बता दें कि ट्रैक पर ट्रेन और मालगाड़ी को खतरे से आगाह करने के लिए डेटोनेटर का इस्तेमाल होता है। वहीं अब खंडवा से बुरहानपुर और भुसावल तक सुरक्षा के मुद्दे पर फोकस बढ़ गया है। और अब बात रीवा की, जहां एक मजार के नाम पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। खुद विधायक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रशासन से कब्जा हटाने की मांग की है। आरोप है कि मजार का दायरा बढ़ने से सड़क संकरी हो गई है, जिससे हर दिन जाम के हालात बनते हैं और लोगों को परेशानी भी हो रही है। क्या है मामला, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। मजार का नाम
कब्जे का काम। इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिए। हर दिन जाम कैसे चलेगा का? जागो प्रशासन, लोग हो रहे परेशान। सड़क पर मजार, देख लो सरकार। कभी एक छोटी सी मजार हुआ करती थी, लेकिन अब मजार का दायरा बढ़ गया है और सड़क संकरी हो गई है। मजार के कारण अहमिया इलाके में हर दिन जाम के हालात बन जाते हैं, जिससे हर दिन लोग परेशान होते हैं। वही है, ये रास्ता यहाँ से गुजरता हुआ 100 मीटर की दूरी में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का घर भी है और वहीं केवंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी का भी घर है। ये मार्ग इनके घर के लिए और जाता है, उसी मार्ग से लगे हुए अवैध कब्जा सिद्धार्थ तिवारी द्वारा आरोप लगाया गया है कि ये अवैध मस्जिद बनाई गई है। इसको लेकर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने आवाज उठाई है। उन्होंने मजार के नाम पर सड़क पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कलेक्टर से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। अमैया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। धर्मस्थलों को रिलोकेट करने और उसको लेकर के विशेष अलग से नियम बनाए गए हैं, तो उसके लिए जो चूँकि स्थानीय हुजूर तहसील का विषय है, तो हुजूर एसडीएम के माध्यम से हम लोग विषय को दिखवाएंगे कि क्या विषय है, मौके पर अतिक्रमण है, यदि है तो कितना है और किस तरीके से उसको रिलोकेट किया जा सकता है। राजनीति में अमहिया को अखाड़ा माना जाता है। रीवा के कई दिग्गज इसी अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। रीवा से विधायक और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का आवास भी इसी इलाके में है। अब देखना होगा अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब गरबा को लेकर चल रहे गदर की इंदौर पुलिस ने नवरात्रि उत्सव को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर लड़कियां महिलाएं पुलिस को शिकायत कर सकती हैं। पुलिस ने बताया कि अगर गरबा पंडालों में मंचले परेशान करें तो वो पुलिस को उस मंचले की फोटो भी भेज सकती हैं, जिसके बाद पुलिस उन मंचलों पर कार्रवाई करेगी। वहीं पंडालों के लिए गार्ड और वॉलंटियर्स की व्यवस्था करने के आयोजकों को निर्देश दिए गए हैं। गरबा में मंचलों को लेकर पुलिस काफी सख्त है। शिकायत पर पुलिस ने गरबा पंडाल से दो युवकों को पकड़ा, जिनकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोगों ने इन युवकों की मौजूदगी को लेकर वहां पर आपत्ति जताई थी। और इसके बाद रावजी बाजार पुलिस ने तामीर और रिहान नाम के दो युवकों को पकड़ा है। वहीं इंदौर पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले चारों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनका जुलूस भी निकाला। इस दौरान आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। साथ ही आरोपी कहते हुए नजर आए कि अपराध करना पाप है। बता दें कि चोहित राम मंडी में आरोपियों की ओर से चाकूबाजी की गई थी, जिसके बाद पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। तो पुलिस गिरफ्त में चारों आरोपी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और इन सभी आरोपियों का जुलूस निकाला गया ताकि लोगों के बीच में जो इन्होंने डर पैदा कर रखा था, भय बना रखा था, वो खत्म हो सके। ये दरअसल कोशिश होती है पुलिस के जरिए ऐसे अपराधियों का सरेआम जुलूस निकालकर इन अपराधियों का, बदमाशों का खौफ खत्म करने की। और माफी मांगते नजर आए ये चाकूबाज आरोपी, चारों ही आरोपी। चार बदमाश घूम रहे थे जिनको एक ट्रक चालक ने देख लिया और उनको जब पकड़ने की कोशिश की तो उनमें से तीन चार बदमाश भाग गए और एक बदमाश ने चाकूबाजी की घटना कर दो लोगों को घायल कर दिया था।
हमारी टीम ने उसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार काम कर चार लोगों की गिरफ्तारी की है। और अब आप प्रदेश के अन्नदाता की, एक बार फिर से किसान की परेशानी सामने आ रही है। प्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान हैं, लंबी लंबी लाइन में घंटों इंतजार करते हैं और इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल रही। खाद की कालाबाजारी बताया जा रहा है कि शुरू हो गई। और सोचिए अभी से ही ये हाल है तो आगे क्या क्या होगा। कहीं कालाबाजारी है तो कहीं किसान के साथ बदसलूकी की जा रही है। पुलिस के जवान ही अन्नदाता से बदसलूकी करते नजर आए हैं। उधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दावा किया है कि खाद की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खाद की कालाबाजारी कब नकेल, दिल्ली की हो या मध्य प्रदेश की सरकार, ये सब किसान विरोधी है। किसान परेशान, कहां है प्रशासन? लाचार अन्नदाता से बदसलूकी क्यों? किसान की पुकार सुनो सरकार। 2625 करोड़ रुपया का एक स्पेशल पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया ताकि खाद की कीमत ना बढ़ पाए, तो प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसी कहीं घटना होगी तो राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन नकेल नहीं कस पा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल की यही कहानी होती है। मुरैना में खाद की कालाबाजारी की शिकायत के बाद प्रशासन की टीम ने खाद वितरण केंद्र पर छापा मारा। कैलारस में गोदाम पर छापेमारी कर 100 कट्टे डीएपी खाद जब्त की गई। किसानों की शिकायत थी कि दुकान संचालक ने कालाबाजारी के लिए खाद स्टॉक को जमा किया था। उधर शिवपुरी में किसानों और पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में किसान से पुलिस बदसलूकी करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस के जवान किसान के साथ सलूक कर रहे हैं। बताया जा रहा है किसान खाद लेने के लिए पहुंचे थे, लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान पुलिस के जवानों ने बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर खाद को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि देश में खाद की कोई समस्या नहीं है। नहीं, सरकार करेगी कार्रवाई। कालाबाजारी की समस्या कई बार होती है। इतना जरूर हुआ था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण जहाज बहुत घूम के आते हैं, रूट बदल गया, 18 दिन ज्यादा लगते हैं, समय ज़्यादा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन के कारण पैसा ज़्यादा लग रहा था। तो अभी 2625 करोड़ रुपया, 2625 करोड़ रुपया का एक स्पेशल पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया ताकि खाद की कीमत ना बढ़ पाए, तो प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसी कहीं घटना होगी तो राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। उधर कांग्रेस ने खाद और कालाबाजारी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली की हो या मध्य प्रदेश की सरकार, ये सब किसान विरोधी है। और आज उनको न बिजली मिल रही है, न खाद में मिल रहा है और न एमएसपी मिल रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, कांग्रेस के अलावा दूसरे संगठन भी इन मांगों को लेकर धरने, प्रदर्शन और ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार करती जाएगी और विधानसभा में भी इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएगी। फिलहाल खाद के लिए किसान परेशान है, घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुंबई में अजीत गुट के विधायक और विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर नरहरी झिरवल ने मंत्रालय के थर्ड फ्लोर से छलांग लगा दी। हालांकि नीचे जाल रहने के कारण उनकी जान बच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। ऊंचाई से गिरने के कारण झिरवल की गर्दन पर चोट आई है। बताया जा रहा है कि वे शिंदे सरकार की तरफ से धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने के फैसले के खिलाफ है। वो अपनी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस मामले को लेकर झिरवल और अन्य आदिवासी विधायकों ने सीएम शिंदे से मुलाकात भी की थी। हालांकि लेकिन बात नहीं बनी तो उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। ये नेट आपको नजर आ रहा है, इसी के ऊपर है। झिरवल और नरहरी झिरवल ने थर्ड फ्लोर से छलांग लगाई। नेट था तो वो बच गए, लेकिन गर्दन पर चोट आई है। तो बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। लेकिन बताया जा रहा है कि गर्दन में चोट आई है नरहरी
झेरवल की, डिप्टी स्पीकर हैं महाराष्ट्र के। और सीधी में आदिवासियों की आस्था का केंद्र रहा तुर्रानाथ मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर मां जगदम्बा की मूर्ति सहित शिव मूर्ति को चुराकर ले गए। वहीं चोरों ने जेसीबी लगाकर आधी रात को मंदिर में तोड़फोड़ भी की और फिर प्रतिमा लेकर फरार हो गए। बता दें कि यह मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा समय से पुराना है, जहां दूर दूर से लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चोरी से पहले की तस्वीर, मां जगदम्बा और भगवान शिव की प्रतिमा पर चोरों ने कर दिया हाथ साफ। और चोरी के बाद की तस्वीर भी आपके सामने है, उस मंदिर को भी तहस नहस कर दिया, नुकसान पहुंचाया है। जो उन्होंने वहां